नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरोग्य आयुर्वेदा में। मैं डॉक्टर महावीर एमडी का चिकित्सा राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर 2022-23 सेशन के लिए प्री पीएचडी टेस्ट यानी कि पीएचडी एंट्रेंस के लिए प्री पीएचडी यानी कि पीएचडी के एंट्रेंस के लिए जो टेस्ट होगा उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए हैं एलिजिबल कैंडिडेट से, जो इस प्रकार है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, पीएचडी आयुर्वेद एडमिशन 2022-23 के लिए अबाउट द यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी के बारे में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन बिगनिंग डेट 2 मार्च 2023 से, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 21 मार्च 2023। स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी रजिस्ट्रेशन कमिटी कंस्टिट्यूट एज पर यूनिवर्सिटी अंडर पीएचडी रूल्स नंबर 83.1B will scrutinize all the applications received. Nature of seats, at present all PhD seats are non-stipendary in nature. Availability of seats for PhD, name of college, University Postgraduate Institute of Ayurveda, Jodhpur and Madan Mohan Malviya Government Ayurveda College, Udaipur. सब्जेक्ट फॉर एंट्रेंस टेस्ट, नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी सेशन 2022-23 के लिए काई चिकित्सा की यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जोधपुर के अंदर काई चिकित्सा की 1 सीट, द्रव्यगुण विज्ञान की 8 सीट, मौलिक सिद्धांत की 2 सीट, रसशास्त्र में भेषज कल्पना की 3 सीट, शल्य तंत्र की 2 सीट, शरीर क्रिया 8 सीट, शरीर रचना की 9 सीट, मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर के अंदर शल्य तंत्र की 2 सीट और द्रव्यगुण विज्ञान की 2 सीट। ये था पीएचडी के लिए सीट मैट्रिक्स, नॉन स्टाइपेंडरी सीट्स हैं। नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर विल डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी विथ यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड रिसर्च गाइड्स एंड रिक्वायर्ड अवेलेबल फैसिलिटीज। एलिजिबिलिटी, मास्टर्स डिग्री इन दी अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट with a minimum of 55% marks in aggregate। MD के अंदर आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 55% aggregate marks होना जरूरी है। Where marks are awarded or minimum equivalent cumulative grade point average CGPA as defined by regulatory bodies, university or any other competent body as the case may be। Those candidates who are not having or mentioned any marks in their PG degree by recognized university, they are also eligible for admission in PhD। A relaxation of 5% or equivalent grade point in the minimum eligibility shall be applicable to the applicant belonging to the categories of SC, ST, OBC, non-criminal air and disabled person और कैटेगरीज डिसाइडेड बाय यूजीसी और दोज हु हैड ऑब्टेंड देयर मास्टर डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991। द एलिजिबिलिटी मार्क्स ऑफ 55% और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड एंड द रिडक्शन ऑफ 5% टू द categories mentioned above are permissible based only on the qualifying marks without including the grace marks procedure।
एलिजिबिलिटी फॉर पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर, पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर के लिए, पार्ट टाइम पीएचडी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। टीचर्स ऑफ द डीएसडब्ल्यूआरयू एंड अदर आयुर्वेदा यूजी पीजी इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीआईएसएम आयुष मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर वर्किंग विथ रिसर्च काउंसिल्स अंडर आयुष मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पार्ट टाइम पीएचडी इन सेम और एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन विद द शॉर्टेज प्रेजेंस इन असेंशियल इंक्लूडेड हॉलीडेज विद कंसर्न गाइड्स। सेकेंड, परमिशन ऑफ द एम्प्लॉयर इन राइटिंग टू अलाउ द कैंडिडेट टू परस्यू पीएचडी प्रोग्राम अलोंग विथ हिज हर रेगुलर ड्यूटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन ही सी इज एम्प्लॉयड। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल फैसिलिटीज फॉर प्रोसुइंग रिसर्च वर्क एट द कैंडिडेट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और पैलेस ऑफ वर्क इन द चूजन फील्ड ऑफ रिसर्च। सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द एम्प्लॉयर टू ऑल हिम हर टू फुलफिल द रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग कोर्स वर्क एंड कॉन्टेक्ट डेज विद सुपरवाइजर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स वर्क इज नोटिफाइड बाय यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये कैंडिडेट में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द डिग्री ऑफ ए डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी पीएचडी इन द फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा प्रोवाइडेड दैट ही सी हैज आयुर्वेदा वाचस्पति धनवंतरी एमडी एमएस आयुर्वेदा डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी और एज इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर द पर्पस। तो ये थे एलिजिबिलिटी पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर के लिए। एंट्रेंस टेस्ट स्कीम, स्कीम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इंक्लूडेड 70% मार्क्स ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, 20% मार्क्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स एंड 10% मार्क्स ऑफ इंटरव्यू। कैंडिडेट्स स्कोरिंग 50% एंड अबव मार्क्स विल बी कंसिडर्ड क्वालिफाइड फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टेकन बाई ए ड्यूली कंस्टिट्यूटेड कमिटी। फाइनल रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर इंटरव्यू। पार्ट टाइम कैंडिडेट आफ्टर सेलेक्शन एज पीएचडी रिसर्च स्कॉलर शैल गिव एन अंडरटेकिंग ऑन ₹100 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर दैट ही सी शैल कंटिन्यू और परफॉर्म हिज हर ऑल रेगुलर ड्यूटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एज सच ड्यूरिंग हिज हर पीरियड ऑफ पीएचडी रिसर्च एक्सेप्ट बिकमिंग ए गाइड को गाइड ऑफ पीजी स्कॉलर एफिलेटेड कॉलेज फैकल्टी। दिस शैल आल्सो बी एप्लीकेबल फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स अटैच्ड फैकल्टी लाइन कैंडिडेट्स मेडिकल ऑफिसर्स एंड क्लिनिकल रजिस्टर्स वर्किंग इन DSWRAU। सिंपली क्वालिफाइंग द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट डज नॉट गिव राइट टू कैंडिडेट फॉर गेटिंग एडमिशन। इट इज सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट फैसिलिटी एंड फुलफिलिंग अदर क्राइटेरिया। All shortlisted qualified candidates will then be interviewed before a committee to test their eligibility for research work. After tested in interview, list of successful candidates will be published for provisional selection for registration. Fees structure. The fees schedule for degree of PhD shall be as prescribed by the university institutions from time to time. Candidate seeking admission to PhD has to submit prescribed admission fees in the university or institute by 24 March 2023 positively. पंजीयन शुल्क, शुल्क का प्रकार, पंजीयन शुल्क भारतीय अध्येताओं के लिए ₹10,000। ऑनलाइन आवेदन पत्र शुल्क ₹1,000, नामांकन शुल्क ₹1,000, योग्यता प्रमाण शुल्क ₹400, अकादमिक शुल्क व विकास शुल्क
₹40,000 संबंधता प्राप्त महाविद्यालय के शिक्षकों हेतु प्रतिवर्ष, ₹60,000 अन्य अभ्यर्थियों हेतु प्रतिवर्ष। अस्थायी प्रमाण पत्र शुल्क ₹400, परीक्षा शुल्क ₹35,000, डिग्री एब्सेंसिया शुल्क ₹600, पुनः पंजीयन री रजिस्ट्रेशन फीस ₹10,000, पीएचडी की मूल उपाधि डुप्लीकेट जारी करने या अन्य भाषा में जारी करने हेतु शुल्क ₹600, पीएचडी की अस्थायी प्रमाण पत्र डुप्लीकेट जारी करने या अन्य भाषा में जारी करने हेतु ₹400 शुल्क, पीएचडी की मूल उपाधि अस्थायी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज भिजवाए जाने हेतु डाक शुल्क ₹250, पीएचडी मार्गदर्शक पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क ₹500। नोट, अबव मेंशनड फीस आर नॉट रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया की कार्य योजना। विज्ञापन प्रसारण तिथि 2 मार्च 2023, आवेदन की अंतिम तिथि 21 मार्च 2023, प्रवेश परीक्षा की तिथि 2 अप्रैल 2023, प्रवेश परीक्षा से संबंधित परिवेदनाएं 3 अप्रैल 2023, परीक्षा परिणाम 6 अप्रैल 2023, साक्षात्कार प्रक्रिया 10 अप्रैल 2023, प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 10 अप्रैल 2023, प्रवेशित अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग 10 अप्रैल 2023, काउंसलिंग का अंतिम राउंड विल बी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट, प्रवेशित अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग विल बी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट, शैक्षणिक सत्र प्रारंभ विल बी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट। ये था पीएचडी 2022-23 के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया। राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय समय पर सभी प्रकार की सूचनाएं मिलती रहे। धन्यवाद।